आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है मोदी जी का नारा, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन हमें लगता है कि वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी का डाटा कुछ यही कहता है कि बीजेपी के अच्छे दिन आ गए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से एक डाटा पेश किया गया, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की संपत्ति की बात की गई। 2018-19 का जो वित्तीय वर्ष रहा, उसमें किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, किस पॉलिटिकल पार्टी की आमदनी में बढ़ोतरी हुई और वो बढ़ोतरी कितनी हुई, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये बाकायदा डेटा दिया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का काम है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके डाटाज़ को इंटरप्रेट करना और उनके अलग अलग नए नए तरीके से डाटाज देना। उन्होंने इस बार भी ये डाटा दिया है, जिसमें 2018-19 के वित्तीय वर्ष में पॉलिटिकल पार्टी, जो छह बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, बीएसपी, टीएमसी और सीपीआई, इन छह पॉलिटिकल पार्टीज़ का डाटा दिया है कि किसने कितनी संपत्ति कमाई इस बार 2018-19 में, किसको कितना फ़ायदा हुआ। पहले नंबर पे सत्तारूढ़ी पार्टी यानी कि बीजेपी रही है, और बीजेपी ने एक साल के अंदर 2410.08 करोड़ रुपए की इनकम की। 2500 करोड़ रुपए के करीब बीजेपी की आमदनी हुई 2018-19 में। यदि इस आमदनी को हम देखें तो ये जो छह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सभी की पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इनकम थी उसका टोटल करा जाए, जिसमें जो टोटल छह पार्टीज़ को पैसे मिले हैं उनको मिले हैं 3698.66 करोड़, मतलब 3698 करोड़। उसमें से अकेले 2410 करोड़ रुपए बीजेपी के फंड में आते हैं। इसका मतलब कि जो टोटल इनकम टोटल पार्टीज़ को हुई है उसका 66% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सत्ता को पैसा क्यों दिया जाता है। बहरहाल थोड़ा सा खर्चे पे भी नज़र डालेंगे और कांग्रेस की इनकम पर भी नज़र डालेंगे कि किसने कितना कमाया। 2018-19 का जो डेटा है उसमें बीजेपी ने 2410.08 करोड़ रुपए की इनकम की, जबकि खर्चा किया 1005.33 करोड़, 3-3 करोड़, मतलब 1005 करोड़ रुपए, यानी कि टोटल इनकम का करीब 41% हिस्सा बीजेपी ने खर्च कर दिया एक साल के अंदर। 1000 करोड़ का मतलब होता है कि रोज़ाना बीजेपी ने करीब करीब 3 करोड़ रुपए रोज़ाना अपने ऑफिस से खर्च किए। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो इनकम की है 2018-19 में वो है 918.03 करोड़ रुपए, जबकि खर्चा किया 469.92 करोड़ रुपए, यानी कि जो टोटल इनकम कांग्रेस को हुई थी उसका 51% हिस्सा जो है कांग्रेस ने वो खर्च कर दिया। सवाल ये बनता है कि बीजेपी को इस बार और इससे पिछले साल में कितना फ़र्क पड़ा है, यानी कि 2017-18 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें और 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बीजेपी ने कितना फ़र्क महसूस किया है और कितनी ज़्यादा ग्रोथ बीजेपी की हुई है। 2017-18 में शायद लोगों को ये लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, कहीं सत्ता से चली ना जाए, इसलिए लोगों ने थोड़ा हाथ रोक करके चंदा दिया। 2018-19 में बीजेपी को मिले थे 1027.34 करोड़ रुपए, मतलब 1027 करोड़ रुपए, लेकिन इस बार उसमें बढ़ोतरी हुई 1382.74 करोड़ रुपए की, 134% की वृद्धि होकर के ये इनकम हो गई 2410.08 करोड़ रुपया। ये अपने आप में एक इतना बड़ा डाटा है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इतने पैसे खर्च नहीं होते जितने इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास चंदे आ जाते हैं। 2017-18 और 18-19 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें बीजेपी की इनकम में 134% की वृद्धि हुई, लेकिन देश की जीडीपी 4% पर पहुंच जाती है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 1% पर पहुंच जाती है, लेकिन बीजेपी की ग्रोथ 134% बढ़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पेट भरने के लिए बैठी हुई हैं या देश के लिए बैठी हुई हैं, ये आपको तय करना है। आप इस पूरे जो घर ये जो पूरा सिस्टम है इसको लेकर के आप क्या समझते हैं, जो ये चंदे का सिस्टम है इसको लेकर के क्या सोचते हैं,
और पॉलिटिकल पार्टीज के जो करप्शन है उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।